और आज बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है, पांचवी पुण्यतिथि, और इस वक्त समाधि स्थल सदैव अटल से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और देखिए पीएम का काफिला भी यहां पहुंच गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी के निधन पर कहा था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया उठने जैसा है। अटल जी का ओजस्वी, तेजस्वी तथा यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। श्रद्धेय अटल जी प्रचंड राष्ट्रभक्ति और अभूतपूर्व साहस का साक्षात रूप थे। वरदायिनी हंसवाहिनी माँ शारदा के वरद पुत्र, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, जागरूक पत्रकार, कुशल, ओजस्वी और प्रभावी वक्ता श्रद्धेय अटल जी, शब्दों का चयन और उनका सधा हुआ तथा प्रभावी प्रयोग, उपमाओं, मुहावरों, सूक्तियों के नग, किसी भी दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत करने का कौशल, हास्य के बीच उनकी विशिष्ट व्यंग शैली बहुत अद्भुत थी। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इस उपासना के ज्वलंत उदाहरण हैं। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों तथा दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादिनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है। श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय अटल जी सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। 1942 की अगस्त क्रांति में जेल गए, वे कभी झुके नहीं, न दैन्यम न पलायनम, यह उनका आदर्श वाक्य है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। हर तरह की कविताएं लिखा करते थे, ऐसे विराट पुरुष को हमारा बारंबार नमन। आज अतीत की कितनी ही स्मृतियों की बरसात में भीगा हुआ ये माहौल है। भारत माता भी उस दिन शोक मग्न थी जब उसका लाडला खो गया था, उसका पुजारी सो गया था। शांति अशांत थी कि उसका रक्षक चला गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और अब
माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी श्रद्धेय अटल जी को। राष्ट्रपुरुष भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए हैं और बची हैं तो उनकी मधुर यादें, उनके तेजस्वी वचन, उनका ओजस्वी वक्तव्य, उनकी कविताएं, उनके संवाद। हाँ, उनकी देह हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके स्मरण तथा सम्मान में उनकी यादें कम नहीं हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रद्धानत श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने श्रद्धेय अटल जी को। और अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को। श्रद्धेय अटल जी के विचार, उनकी वाणी आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी के। समाधि स्थल पर सदैव अटल पर श्रद्धानत उस महान विभूति के प्रति आज कृतज्ञ राष्ट्र उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय अटल जी के सपनों का भारत बना रहे हैं। और अब लोकसभा स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी श्रद्धांजलि कार्यांजलि। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पुष्पांजलि भावांजलि अर्पित करते हुए। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। और अब एनडीए के सदस्यगण से, माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। हरिवंश राय जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और उसके बाद माननीय श्री थंबिदुरई जी, श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी शीश नवाते हुए और रंजन भट्टाचार्य जी, अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी जानी मानी गायिका विद्या शाह जी। और देखिए, आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल से। प्रशांत देव मेरे सहयोगी भी लगातार वहां से बने हुए हैं। हम देख रहे हैं प्रशांत, किस तरह से तमाम बड़े नेता जी यहाँ पर पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। लेकिन खबरें ये भी आ रही है प्रशांत की एनडीए के भी जो है तमाम दल, वो भी यहाँ, उनके भी नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं और नीतीश कुमार के भी यहाँ पहुंचने की खबर है। देखिए, जानकारी मिली है कि एनडीए के भी तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता भी पहुंचेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, सबको पता है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर से उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के करीब थे, तो हो सकता है कि वो भी पहुँचे। पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी मिली कि नीतीश कुमार भी यहाँ पे पहुँचेंगे। तो जिस तरीके की भव्य तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम कैबिनेट के बड़े मंत्री, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और जैसा कि जानकारी मिली कि एनडीए के घटक दल भी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पे
कुछ कुछ मौजूद हैं, कुछ और आएंगे। तो ये दरअसल में ये इस बात को दर्शाता है, ये दिखाता है कि सबके लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कितना खास है, कितना महत्व रखते हैं। न सिर्फ सरकार मतलब जो भाजपा के लोग हैं, बल्कि विपक्षी दलों में भी सब जानते हैं कि उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनको बहुत मान सम्मान हमेशा मिला है। राजनीतिक तीखी प्रतिक्रियाओं में भी कभी भी उनको उल्टी आवाज़, उल्टा स्वर सुन उनके खिलाफ कोई नहीं बोला जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषता रही है। तो जो आप भव्यता यहाँ पे देख रहे हैं, तो दरअसल में वो सब कुछ अटल बिहारी वाजपेयी ने कमाया है अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने प्रशासन से, अपने राजनीतिक कुशलता से। तो जो लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है और जो स्पष्टता रही है, जो दूरदर्शिता रही है, उसी का परिणाम है कि लोग उतना सम्मान उनको देते हैं। हर वर्ग में, हर जगह उनको इसी तरह का सम्मान मिलता है। और आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है और तमाम बड़े लोग आज उनको श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो उनका स्थल है सदैव अटल, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं और आप देख सकती हैं तस्वीरें कि किस तरीके से माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना मिलनसार उनका व्यक्तित्व रहा है कि विपक्ष से भी उनके बेहद मधुर संबंध उनके हमेशा ही रहे हैं और विपक्षी भी उनकी सदैव तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और शायद प्रशांत इतने मुखर वक्ता ही शायद वो होंगे जो अगर इंदिरा गांधी की अगर वो तारीफ कर सकते हैं, उन्हें दुर्गा की उपमा दे सकते थे, तो वहीं उनका कड़ा विरोध करते भी वो नजर आए। शायद ये छवि, शायद ये सम्मान और ये खासियत कुछ ही नेताओं में देखने को मिलती है। बिल्कुल, जहां जो बात कहनी है वो दमदार तरीके से, प्रमुखता से कहने की खास बात उनमें थी। आप जैसे कहा उन्होंने कि इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, तो जिस वक्त आपको याद होगा, आजकल बहुत एक वीडियो भी वायरल है, प्रधानमंत्री ने जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त जो सोनिया गांधी ने कुछ आरोप लगाए थे, तो उन्होंने सदन में खड़े होकर के पुरजोर तरीके से उस बात का विरोध किया था कि मुझ पर जो है निजी आरोप इस तरह के लगाने की हिमाकत कोई कैसे कर सकता है। सदन में खड़े होकर उन्होंने जोरदार तरीके से उसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया था। ये बात सबको याद है। जब उनकी सरकार नहीं चल पाई, 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे और अल्प अल्प समय तक के थे, उसके बाद एक पूरा टर्म पूरा किया। तो जब भी, जैसा आपने बताया कि जब भी ऐसा मौका मिला, अगर किसी की तारीफ करनी है तो उससे पीछा नहीं हटना है, और सिद्धांतों और उस पर अगर किसी का विरोध करना है, मुखालफत करनी है, तो कभी डट के उसको वो काम भी किया है और इससे कभी वो पीछे नहीं रहे। और जो उनका शासन रहा है, जो दूरदर्शिता रही है, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी के सुझाए हुए जो मार्ग हैं, जो राजनीति में जो उन्होंने जो वो छोड़ के गए हैं, उनको काम को पूरा करना है। आज जो आज पूरे देश में आज जो सड़कों का जाल बिछता हुआ आप जो पूरा देश देखता है, वो पूरी संरचना, पूरी सब कुछ जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी कि सड़कों से पूरे देश को जोड़ना है, गांव-गांव सड़क पहुंचानी है। ये उनका एक विज़न था जो उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी ये बात तो कहते हैं कि जो विज़न पूर्व प्रधानमंत्री का था, उसको हमको आगे पूरा करना है। और उनके हर काम में इस तरह की बात दिखाई देती है और बार बार उसका वो जिक्र भी करते हैं। बिल्कुल, इस बीच जो दर्शक इस वक्त News 24 से जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि इस वक्त वो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से सदैव अटल से, जहां आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल से, और मेरे सहयोगी
प्रशांत देव भी लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, आज अटल वाजपेयी जी की आज सारी जो कविताएं हैं, उनके लिखे जो तमाम काव्य हैं, आज सब वो देश याद कर रहा होगा। और मेरे ख्याल से अगर हम सोशल मीडिया भी अगर खंगालेंगे तो आज चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो या फेसबुक हो, आज उनके कविताओं से सब भरा पूरा नजर आएगा। देखिए, सोशल मीडिया की बात आपने की तो बहुत सारे इंटरव्यूज़, पुराने इंटरव्यूज़, चाहे वो जब वो सरकार में थे या सरकार में नहीं थे, जो इंटरव्यूज़ आप देखिएगा, सब लोग उसको खंगालते होंगे। जो बेबाकी से जवाब वो देते थे, कभी पीछे नहीं उठते थे। कई बार उनसे उनके निजी जीवन पर भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने कभी उसकी नाराज़गी जाहिर नहीं की, खुल के उसका जवाब दिया। चाहे वो किसी भी तरह के सवाल हो, कभी मतलब उसका जवाब देने से कभी वो पीछे नहीं हटते थे। यही उनकी खासियत थी। हर बार किसी भी कोई भी सवाल उनसे पूछे गए, आमतौर पे बड़े नेता निजी सवाल पूछने पे नाराज़ हो जाते थे, लेकिन नहीं, वो उसको इस तरीके से, बल्कि हंस के और इतने खुशमिजाज अंदाज में उसका जवाब देते थे कि लोग दंग रह जाते थे। यही उनका व्यक्तित्व था, यही उनका सबसे बड़ा परिचय था कि आदमी बड़ा वही होता है जो सरल होता है। तो सरलता, स्वभाव, मृदुभाषी, ये तमाम खूबियाँ उनमें कूट कूट कर भरी थी। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार थे, कवि थे, और कोई इसमें शक नहीं है कि वो जननेता थे, जननायक थे, और एक लंबा, एक दूरदर्शी विज़न था उसके अंदर, एक योजना थी कि कैसे काम करना है। और उसी बार बार भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि उनको मौका मिला है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भी काम थे, अधूरे काम थे, उनको पूरा करने का हमको मौका मिला है। खासकर प्रधानमंत्री की बात करें तो हर बार वो जब भी मौका मिलता है इस बात को वो ज़रूर दोहराते हैं। तो आप जो वो तमाम ऐसे लोग जो उस वक्त नहीं थे, उनके शासन को नहीं देख पाए, आज सोशल मीडिया के जरिए रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, आज भी पूरा पटा रहेगा, ट्रेंड करता रहेगा सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, तमाम उससे जुड़ी हुई बातें। और सबसे ख़ास बात, आप कहीं ये देखिएगा, कहीं कोई नकारात्मक बात आपको उनके खिलाफ नहीं मिलेगी। कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब कोई नेगेटिव बात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहीं चर्चा हो, कहीं डिस्कस हो, कोई कहा, मतलब सार्वजनिक मंचों पे भी, मतलब सोशल मीडिया में भी, जहां सब कुछ बेलगाम है। आप सबसे खूबसूरती बात यह है कि ये बहुत कम ऐसा होता है, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसे व्यक्तित्व, कोई ऐसा नेता जिसके खिलाफ इस तरीके का एक तरफा प्यार, एक तरफा सम्मान मिले। तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। हर वर्ग, हर जगह उनको पूरा सम्मान मिलता है, मिलता आया है। तो कहीं कोई उनके खिलाफ इस तरीके से तीखी आलोचना, इतने नकारात्मक बात नहीं होती है। कमियां हर सब में होती हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी बात ऐसी थी, इतने मिलनसार थे, इतने मृदुभाषी थे कि सबका दिल जीत लेते थे वो, चाहे वो अपने हो या फिर विपक्ष में हो, दिल जीतने की कला उनमें थी। और जहाँ तक बात राजनीति की है, जब वो मैदान में उतरते थे तो जो ओजस्वी भाषण उनका होता था, लोग कमेंट्री लगाकर सुनते थे, चाहे विपक्ष को घेरना हो या फिर अपनी सरकार की बात कहनी हो, कभी पीछे नहीं होते थे। शेर की दहाड़ की तरह बात करने वाला नेता था। और जो तमाम लोग जो सोशल मीडिया के जरिए सुनते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि वो अटल थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जैसा कि नाम था वैसा ही उनका काम था, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत देव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल सदैव अटल से आपको हम सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो बात पोखरण की ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम चर्चा कारगिल युद्ध की ना करें तो बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। तो ये वो महान काम थे जो सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम थे, और देश आज उन्हें याद कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज़ 24।